जय हिंद साथियों, आप सभी का अग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे आप उसके जो सब्जेक्ट हैं, आप बीएचयू का जो है सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा या अदर यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट कोड है वो कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो पूरा देखिएगा, बारीकी समझिएगा, ताकि आपके जितने भी डाउट होते हैं फॉर्म भरने से संबंधित यूनिवर्सिटी को लेकर कि किस में कौन सा कोड रहेगा, कैसे भरना है, ये सारे जो आपकी जो है क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना है और बारीकी से समझना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चलना है 6 नंबर पेज पर। तो 6 नंबर पेज पर जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको डेट पता ही है कौन सी जो है लास्ट डेट होने वाली है, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जानते होंगे, यहाँ पर देख लीजिए। बाकी आप देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी है और यहाँ पर जो है आपके फीस है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, 3 पेपर के लिए अगर 3 कोड भरते हैं आप, ठीक है, 3 कोड अगर आप भरते हैं तब जाके जो है आपका कितना लगेगा, 1000 लगेगा जनरल वालों का, ओबीसी का 800, एससी एसटी का 750 रुपये, ठीक है, पीडब्ल्यू का जो है आपका 700 लगेगा, ये अप टू 3 पेपर कोड। यदि आप 3 पेपर कोड तक भरेंगे तो आपका इसी में हो जाएगा। यदि आप 3 के अलावा कोई एडिशनल भरते हैं तब जाके आपको जो है डायरेक्ट आप चले जाएंगे किस पे, 500 रुपये जो है एक्स्ट्रा आपको देने होंगे जनरल, यानी कि 1000 रुपये इसका देना होगा और 500 इसका, यानी 1500 रुपये देना होगा यदि आप कहीं 4 कोड भर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, इसी प्रकार से ओबीसी को समझना है, इसी प्रकार से एससी एसटी को, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आप चलते हैं डायरेक्ट नंबर पेज नंबर 68 पर, चूँकि हैं यहाँ पर पेज नंबर 68 पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपके कोड हैं, लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कोड विथ कोर्सेस कॉमन, ये आपके जो है कोर्सेज जो हैं उसको जो है कोड वाइज डिजाइन किया गया है, उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर कॉमन के लिए जैसे कि आपका इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोड ये रहने वाला है, बाकी जो भी इसमें आपके जो सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, लेकिन हमें एग्रीकल्चर का जो है टच करना है। बाकी एग्रीकल्चर जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये सब देख कर आप ये भी कोड भर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं लैंग्वेज जो आपके हैं, लैंग्वेज आपको करना नहीं है इसमें, इसमें डायरेक्ट आपका चलते हैं साइंस में, जो आपका साइंस ग्रुप होता है, एग्रीकल्चर एक साइंस होता है इसलिए ये साइंसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कोड है वो यही दिया गया है, तो पहला कोड है वो आपका यही दिया गया है SCQP01, SCQP01 जो है आपका ये कोड है। इसमें जो आपका एग्रीकल्चर साइंसेस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और आपका इसी में कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर जो है आपका, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जो भी जो आपका ये वाला जो सेक्शन है पूरा, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी हैं ये सभी जो आपके कवर हो जाएंगे किसके अंतर्गत, ये SCQP01 के अंतर्गत कवर होंगे। ये आपका कोड फिल करना होगा। अब प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि जब पिछले साल 2022 में हुआ था तब जाके इसका कोड क्या था, PGQP78 के नाम से था, ठीक है, उसे रिप्लेस करके इस बार क्या कर दिया गया है, SCQP01, यही उसमें चेंज हुआ है। यही सारे सब्जेक्ट पिछली बार भरने के लिए ये जो है आपके BHU के हैं, यानी कि इसमें जो है आपका BHU यूनिवर्सिटी रहेगी, और भी अदर यूनिवर्सिटी जो है इसी कोड के अंतर्गत आती हैं वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि पिछली बार जो कोड था PGQP78 वो इसी का रिप्लेसमेंट ही है एक प्रकार से, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पिछली बार की तरह इस बार भी इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आपको अगर फिल करना है BHU के लिए या एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए कोड जो आप अप्लाई करेंगे तो आपका यही कोड अप्लाई होगा, SCQP01, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे कि इसमें एग्रोफॉरेस्ट्री, अगर आप एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोड ये वाला फिल करना होगा, यानी SCQP02, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी, अगर आप मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी डिग्री जो है वो फॉरेस्ट्री में है, आप ग्रेजुएशन जो फॉरेस्ट्री में किए हैं या हॉर्टिकल्चर में फिशरीज में किए हैं, तो आपको देखना होगा एलिजिबल है इस कोर्स के लिए या नहीं है, तब जाके आप ये कोड चूज़ करें, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ जो भी मुझसे हो सकेगा। तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका जो एग्रोफॉरेस्ट्री में कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो कोड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जैसे कि पिछली बार जो था, यहाँ पर देखिए SCQP 16, ठीक है, SCQP 16 जो कोड है इसमें आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, ठीक है। या इसमें जो है आपका कौन सा कोड रहेगा, SCQP 16, और यही जो कोड था ये पिछली बार क्या था, सेम टू सेम, जिसमें था PGQP 33 कोड था, ठीक है, ये कोड था पिछली बार जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड थे, और इस बार इस कोड का चेंज करके नाम क्या हो गया है, SCQP 16, ठीक है। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, इसमें मेजर यूनिवर्सिटी आपको बताएं तो इसमें नेहू आती है, BBU आती है, हेमवती नंदन आती है, ये सभी यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आती है इस कोड के अंतर्गत। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप कोड यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी आएंगी तो वो वहाँ पर शो हो जाएंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये हो जाएगा ये कोड, तो मेजर मेजर आपका BHU का कोड हो गया, आपका BBU का हो गया, जो एग्रीकल्चर फील्ड में मोस्टली जो यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी अब आपका जो बहुत सारे और भी हैं, आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, सॉइल साइंस है, वाटर कंजर्वेशन का ये है, तो इसमें देख लीजिएगा हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कौन कौन एलिजिबल है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आप चलते हैं हम सीधा पेज नंबर 612 पर। उससे पहले आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कोड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं। अब SCQP 01 में जो है आपकी ये सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, जिसमें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी सम्मिलित है, जो मेजर एक यूनिवर्सिटीज है वो तो भी आपके इसी में सम्मिलित है, बाकी इसमें कुछ प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी हैं उनको देख लेना। तब अब आपको समझना यहाँ पर कि आपका जो है, यहाँ पर देखिए ये आपके जो है पेपर पैटर्न हो जाएगा, कैसा पैटर्न आएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज को चेक करना है कौन सी है, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है जो यूनिवर्सिटीज में है, तो इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत ये सारी जो है आपके सब्जेक्ट चलेंगे कौन कौन से, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, और इसी में आपका आ जाएगा प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब आप जब इस कोड को पेपर में फिल करेंगे, इस कोड का जब आप पेपर देंगे, तब जाके आप BHU में इन सारे कोर्सेस के लिए आप काउंसलिंग कराएंगे, तो आप इन सारे जो आपके कोर्सेस हैं इन सभी में एडमिशन ले पाएंगे इस कोड के थ्रू, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, BHU के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है इन सभी में से किसी एक में, तो आपको इस पेपर कोड से पेपर देना होगा, ठीक है, आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप पेपर देंगे तब जाके आपका BHU में एडमिशन इस प्रकार से ले पाएंगे इस पेपर के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पैटर्न क्या रहेगा, अब पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो आपका जनरल के रहेंगे, जिसमें कि आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे, आपका GK GS हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रहेंगे एक ही दो क्वेश्चन, ठीक है, एक ही दो क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, खाली मेजर मेजर आपको पढ़ लेना है, या फिर आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको लास्ट तक मैं एक कम से कम 2000 के जो है MCQ क्वेश्चन मैं इसके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं GK GS के क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा हार्ड जो है क्वेश्चन वो नहीं रहेंगे इसमें 25 क्वेश्चन में। बाकी आपका जो 75 रहेगा वो डोमेन से रहेगा, डोमेन में जैसे कि आपका जो भी आप 4 साल पढ़े हैं ग्रेजुएशन में उसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वही आपका डोमेन रहेगा। इसमें जो पिछली बार इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो पिछली बार पूछा गया था। और बाकी इसमें इस बार जो है कोड खाली जो है चेंज हुआ है, बाकी वही है सिस्टम जो भी पिछली बार था, जनरल का पैटर्न का वही, वो भी डोमेन वही, क्वेश्चन वही, सब कुछ वही है, ठीक है। बाकी आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी। तो आप अगर 4 ईयर की BSc AG किए हैं
या बीएससी एजी ऑनर्स की है या बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री आपके पास है, ठीक है, वो भी क्रेडिट बेस वाली, ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या कितने मार्क इसमें होना चाहिए, लगभग सभी के होते हैं, इस भी जो नीचे दिया गया है इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आप इसी प्रकार से जैसे कि आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, इस बार नई जुड़ी हुई है ये यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जैसे कि ये भी यहाँ पर एग्रोनॉमी, मान लीजिए आपका इस यूनिवर्सिटी में आपका यही जो कोर्सेज है वही अप्लाई हो रहा होगा, वहाँ पर यही कोर्स जो है अवेलेबल होगा, उसी में आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पर एग्रोनॉमी में। तो हालांकि ये जो आपका पैटर्न है वो पूरा सेम ही रहेगा, क्योंकि PGCUPE एक ही में आ रहा है, PGCUPE 01 में ही एक यूनिवर्सिटी काउंट हो रही है, तो आपका पेपर यही देना है तभी आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी में दिया गया है, यहाँ पर बीएससी एजी यानी कि अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, यही आपका जो है इसमें एलिजिबिलिटी में दिया गया है, बीएससी एजी वाले सिर्फ जो है इसमें एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से आपका जो देख लेना है सभी में, क्योंकि 800 लगभग पेज का PDF है, इसमें सभी के बारे में डिस्कस करना मुश्किल है, तो आप लोग जो मेजर मेजर है मैं वहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ। एक तो BHU आपका हो गया, अब चलते हैं डायरेक्ट BBU पर, पेज नंबर 716 पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए SCQP 16, यहाँ पर पेपर कोड जो है आपका वो क्या है, SCQP 16 जो है आपका यहाँ पर पेपर कोड हो जाएगा, तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें हॉर्टिकल्चर जो प्रोग्राम है आपका वो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, MSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पैटर्न का वही है सेम कि आपका इसमें 25 क्वेश्चन जो जनरल के रहेंगे, जनरल जो पैटर्न होता है आपका हिंदी रीजनिंग मैथ वाला, बाकी इसमें यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी इसकी क्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी हेमवती नंदन और जो इसमें SCQP 16 के अंतर्गत, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है नेहू आपकी हो जाती है, और यहाँ पर जो कि BBU है। बाकी अब यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि BBU काफ़ी इसकी फेमस यूनिवर्सिटी रहती है इस कोड की। ये जो कोड है ये पिछली बार क्या था, PGCUPE 33 के अंतर्गत आता था, PGCUPE 33 के अंतर्गत आता था, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन जनरल थे, बाकी 75 क्वेश्चन जो थे प्योर हॉर्टिकल्चर ही पूछा था पिछली साल। इस बार भी उसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसमें भी वही दिया गया है डोमेन सब्जेक्ट स्पेशल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी जो BBU यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ चली गई, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो है BBU यूनिवर्सिटी आ चुकी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में पढ़ती है। इसमें जो आपका पैटर्न है वो भी सेम है आपका MSc, यहाँ पर MSc हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट साइंस, यहाँ पर फ्रूट साइंस है और यहाँ पर वेजिटेबल साइंस भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वेजिटेबल साइंस भी अवेलेबल है, यानी कि दो जो है आपकी स्ट्रीम यहाँ पर मिल जाएंगी, एक फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस में एडमिशन ले पाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट वो भी आप समझ गए, यूनिवर्सिटी भी समझ गए, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं जो भी आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है इसकी। तो ये दो कोड जो है मेजर थे पिछली बार भी इस बार भी, जैसे कि दो कोड जो है आपके, बाकी आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा कि किस कोर्स के लिए आप एलिजिबिलिटी है कि नहीं आपकी, आप उसके वहाँ पर क्या मांगा है, बीएससी एजी मांगा है, फॉरेस्ट्री मांगा है, या हॉर्टिकल्चर भी एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है, या फिर बीटेक वाले भी एलिजिबल है, वो आपको देखना होगा। हालांकि जो आपकी BHU मेन है वो मैंने बता दिया, और यहाँ पर BBU के बारे में बता दिया कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है आपको वहाँ पर भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।